लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माथुर साहब, जो सब इंस्पेक्टर कादिर के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया था उसे 5 साल की सजा हो गई है। बेचारा सब इंस्पेक्टर, उसके बीवी बच्चे हैं या नहीं? जी हाँ, मैं ही हूँ मिसेज राणे, आप कौन हैं? माथुर साहब, ट्रक रवाना हो गया है, कल रात बॉम्बे पहुंच जाएगा। रोको रोको रोको, ट्रक रोको रोको रोको, अरे भाई ट्रक रोको। खबरदार कोई हिला तो भून के रख दूंगा। माथुर साहब, मैं रिकू बोल रहा हूँ। हुआ क्या? डीके साहब को बॉम्बे जल्दी भेजिएगा, राणा ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। उसके आदमियों ने हमारा 2 करोड़ का माल लपेट लिया और माइकल का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। क्या कह रहे हो? हाँ माथुर साहब, अब तो लगता है कि ये जंग चलती रहेगी हमारी मरते दम तक। माथुर साहब का हुक्म है कि ये सब हथियार और ये गोला बारूद आज ही बॉम्बे पहुंचा दो। राणा साहब का ऑर्डर है कि हथियारों से भरी वो गाड़ी बम्बई पहुंचने से पहले उड़ा दो। जाना कि जिन आदमियों ने हमारी हथियारों से भरी गाड़ी को उड़ाया है उन्हें खत्म कर दो। सारा का सारा माल आज पहुंच जाना चाहिए, ये राणा साहब का ऑर्डर है। और सुनो, अगर डीके के किसी भी आदमी ने कोई भी बीच में दखलंदाजी की उसे गोली से उड़ा देना। सुनो साहब, इंस्पेक्टर कदम के होते हुए वहां माल नहीं उतारा जा सकता। जो हमारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। योर ऑनर, ये राणा का आदमी है, राणा जिसकी सरपरस्ती में बंबई का हर गुनहगार पलता है, राणा जिसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज इन गुनहगारों के लिए कानून होता है, उसी तरह ये खतरनाक मुल्जिम सुल्तान राणा की शह पाकर कानून के साथ खेलता रहा, लेकिन आज ये कत्ल के इल्जाम में कटघरे में खड़ा है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए, जो कि राणा के मुंह पर एक तमाचा हो। तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और सरकारी वकील की जरा सुनने के बाद
मुल्जिम सुल्तान के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं, जिससे यह साबित होता है कि जगन का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। इसलिए अदालत सुल्तान को निर्दोष मानते हुए उसे रिहा करती है। आपकी दया से राणा साहब मेरी बिटिया सुहागन बन गई। हम यही सुनना चाहते थे। राणा साहब ये दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, जाओ बेटी। बस जीते रहो जीते रहो। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। आपका घर घर नहीं है राणा साहब, गरीबों और कमजोरों की वो चौखट है जहाँ से कभी कोई खाली हाथ वापिस नहीं गया। इस देवता के चरण छू बेटा, इन्हीं की कृपा से तू मुझ जैसे अपाहिज का बेटा आज बीएससी हो गया। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। रघु तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। गोवर्धन सेठ आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में उन्हें बिठा दिया गया है। बैठो बैठो। मामला क्या है? मामला तो सिर्फ 25 लाख रुपए का है राणा साहब, लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। बोलो बात क्या है? आज से 5 साल पहले सोनू क्लब खोलने के लिए मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज ले गया था, सूद मिलाकर आज 25 लाख हो गए। उसके घर और क्लब के कई चक्कर काट चुका हूँ लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं लेता। आते मंगल को यहाँ आकर तुम अपने 25 लाख रुपए ले जाना और उसमें से ब्याज के 5 लाख तुम अपने नाम से कस्तूरबा अनाथालय को दान कर देना। सोनू को उठा लाओ। राणा साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी डीके से बरसों पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ यही। और हम ये भी जानते हैं कि डीके और उसका दूसरा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका तीसरा भाई सोनू अपने भाइयों के बलबूते पर सेठ गोवर्धन दास के 25 लाख रुपए हजम कर गया। लेकिन सोनू को छेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और गहरी दुश्मनी। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। हमें सोनू जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज दें। हमें सोनू को उठवा कर लाना है, जिंदा मुर्दा नहीं। तो फिर ये काम कौन करेगा? सिर्फ एक आदमी, और तुम लोगों ने अभी उसे देखा भी नहीं और सोनू कभी ख्वाब में भी नहीं सो सकता कि वो हमारा आदमी होगा। कुछ ही दिनों से वो हमारे साथ काम कर रहा है, नहायत चुस्त चालाक और फुर्तीला। Bye.
कौन है ये? साहब अपना डांसर बीमार है, ये नया डांसर बुलाया है। क्या नाम है? नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो, नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो, अरे नाम तो होता है बदनाम देखो यारो, किसको कहां से उठाना है, किसको कहां पहुंचाना है, ये अपना धंधा पुराना है, काम का लेता हूं इनाम देखो यारो, काम का मैं लेता हूं इनाम देखो यारो, अरे नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारो। खेल तो दिखाया
मारूंगा तमाम। देखो यार यहाँ जो भी मेरा निशाना है ऐसे ले जाना है, ठंडा पुराना है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसका भेजा हिला दूंगा। नमो कमान, नमो नमो। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। आ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। मुझे पिंजरे में कोई कैद नहीं कर सकता। पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगवाया था। ये तो शेर की गुफा है, यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। हमारी सुनो, आज रात अपनी आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो, जब तुम्हारे चीखें सुनकर शायद समंदर भी थर्रा उठे। जिसे हम यहां लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं, और सोनू हमारे कान ना नहीं सुन सकते, अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं और ना कहने वाले का हशर ये होता है। अब बोलो, रुपया वापस ला रहे हो या नहीं? नहीं राणा साहब, मैं आज ही पैसे लौटा दूंगा, आज ही पैसे लौटा दूंगा मैं। खोल दो इसे। ये कुछ रुपए तुम्हारा इनाम। इनाम कैसा? मैंने तो आपका दिया हुआ हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन सोनू ने अभी तक यही ना कि रुपए नहीं भेजे। जी जाए, एक बात और याद रखना, मौत का खौफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है, और यही खौफ सोनू को रुपया भेजने पर मजबूर कर देगा। सोनू ने रुपया भिजवा दिए राणा साहब,
दरवाजा खुला है, इंतजार करते करते यही सो गई। खाना खा के अंदर क्यों नहीं सोई? जब तक तुम्हारे हाथों से पहला निवाला ना खा लूं, खाना हलक से नीचे कैसे उतरेगा? अरे मेरी प्यारी बहना, चल तू जल्दी से खाना लगा, मैं फटाफट हाथ में धो करता हूँ। अच्छा। तू रो रही? अच्छा सच बता, तेरी आंखों में ये खुशी के आंसू हैं या गम के? जिस बहन का तुम्हारे जैसा भाई हो उसे गम कैसे छू सकता है भैया? माँ और बाबूजी का प्यार, बड़े भाई का दुलार जब तुम्हारी आंखों से बरसता है तो ये आंखें खुद ब खुद बहने लगती हैं। देख रहा था, अगर इसी तरह से तू मुझे कमजोर बना देगी तो मैं तुझे विदा कैसे करूंगा? तुमने तो कसम खा रखी भैया, मेरी डोली उठने के बाद ही तुम किसी को भाभी बनाकर लाओगे। मेरी बात मानो, पहले एक अच्छी सी सुंदर सी भाभी लाओ। रात दिन मेहनत करके रुपए जमा कर रहा हूं, किसके लिए? तेरे लिए ना, और तू मुझसे कहती है कि पहले मैं शादी कर लूं। ठहर, कल ही इतवारी लाल जी के यहां जाकर तेरी शादी की बात पक्की करता हूं। अब अरुण के ऊपर कितना खर्चा हुआ है भाई जी वो सुन लो। अरुण की माँ तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई, टोटल लॉस। अरे भगवान कम से कम एक औलाद ही ले आती तो 15 साल तक मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे के चौखट चूमने को तो नहीं जाना पड़ता। अब जगह जगह जाने में खर्च तो होता ही है, हिसाब लगा के देख लो। अब अरुण कोई म्युनिसिपालिटी के अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ, नर्सिंग होम में, स्पेशल वार्ड में, एयर कंडीशन में पैदा हुआ, हिसाब लगा के देख लो। और अब जब नर्सिंग होम में पैदा हुआ है तो कोई म्युनिसिपालिटी के स्कूल में तो जाएगा नहीं, कन्वेंट में पढ़ा है, और मेडिकल में भर्ती कराते वक्त जो डोनेशन, ओहो हो हो। देखिए त्वरीलाल जी, मैंने रात दिन कड़ी मेहनत करके 2 लाख रुपए जमा किए हैं। अब आप ये 2 लाख रुपए तो 2 महीने पहले की मार्केट थी भाई जी। 2 लाख रुपए अगर सूद पर दिए होते तो अब तक 3 लाख रुपए हो जाते, हिसाब लगा के देख लो। अब यूं करो कि 1 लाख रुपया और जमा कर लो, फिर देखो अरुण की बारात दरवाजे पे धूम धड़क्के के साथ पहुंची, समझो? हाँ। परितवारी लाल जी, 1 लाख रुपया मैं महीने भर में कैसे जमा करूंगा? इतवारी लाल के हर काम हिसाब से होता है, और अगर हिसाब लगाना नहीं आता है तो बात खत्म। नहीं इतवारी लाल जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं 1 महीने में आपको पूरी रकम पहुंचा दूंगा। नमस्ते। Your target and look straight. ये तो सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि ऊपर वाला पेड़ से भी टपकाता है। खैर तुम अब टपकी गई हो तो ये बताओ कि तुम इस पेड़ पर क्या कर रही थी? जी मैं कराटे सीख रही थी सर। कराटे और पेड़ पर सुबह से कोई मिला नहीं है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो। अरे वाह, लेकिन तुम ये कराटे सीखना क्यों चाहती हो? इसके पीछे एक लंबी कहानी है सर,
अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। चलो। दुनिया में मर्द लाख ईमानदार होगा तो सड़क पे पड़े हुए 50 या 100 रुपए की नोट छोड़ देगा, लेकिन एक अकेली जवान अनाथ लड़की को कोई नहीं छोड़ता। ये छोटा सा घर मेरा तन और मन छुपाने की एक ही जगह है। इसे तुम ड्राइंग रूम समझ लो, डाइनिंग रूम समझ लो या बेडरूम, पर इस दुनिया में मेरा जो कुछ भी है बस यही है, और जो बहुत कुछ था उस कमीने ने छीन लिया। छीन लिया? किसने? जिसकी तलाश में मैं बंबई आई हूं और जिसकी लाश देखने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगी। अधूरी नहीं, अपनी पूरी कहानी बताओ मुझे। मेरा नाम ज्योति है और मेरे पिताजी जबलपुर में जश थे। ऑर्डर, ऑर्डर, तमाम सबूत, गवाहों के बयानात मुजरिम दौलत कारबारी को गुनाहगार साबित करते हैं कि मुजरिम ने रामलाल से जाती दुश्मनी निकालने के लिए उसकी बीवी और उसके मासूम बच्चे का बेरहमी से कत्ल किया। इसलिए अदालत मुजरिम को दफा 302 ताजिरात हिंद के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, आपने बहुत गलत सजा दी है। काले नाक को पिटारे के अंदर रखा जाता है, सलाखों के पीछे नहीं। और जिस दिन सलाखों के पीछे से मैं सरक गया उस दिन तुम्हारी होने वाली बेवा और यतीम बेटी को बहुत याद आऊंगा। फिलहाल तो तुम जेल की सलाखों के पीछे बैठकर ऊपर वाले को याद करो। सलाखें बहुत मजबूत होती हैं, वहां से भागना इतना आसान नहीं होता। कहां से भागना कितना आसान है ये तुम्हें मेरे सरकने के बाद पता चलेगा। और जिस दिन सरक गया उस दिन बहुत याद आऊंगा, बहुत याद आऊंगा जज साहब, बहुत याद आऊंगा जज साहब। और इस बात को 6 महीने बीत गए। लड़का भी ढूंढ लेंगे, पहले तुम फैसला तो करो। भाई फैसला तो हमने अपनी बेटी पे छोड़ दिया है। बोलो बेटी, अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी या हमारी पसंद से? हमारा फैसला ये है पापा कि पसंद ना पसंद का सवाल ही नहीं उठता। अभी आप अपनी बेटी को पढ़ने दीजिए बस। हाँ बेटे, पढ़ो जरूर। हेलो, रामेश्वर दयाल। सर, दौलत जेल तोड़कर भाग गया है। What? सर, हम पुलिस फोर्स आपके घर भेज रहे हैं, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता आपके घर पर पुलिस का बंदोबस्त रहेगा। सर, आप भी कमाल करते हैं पापा, एक दिन मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी क्या? जब तक वो मुजरिम गिरफ्तार नहीं होता आप हरगिज बाहर नहीं जाएंगे। देखो बेटी, जैसे कि कोर्ट में कानून होते हैं वैसे ही आदमी की जिंदगी में भी नियम कानून होने चाहिए। न मुजरिमों के डर से कोर्ट का कानून बदलता है, न मैं अपनी जिंदगी के कानून बदलूंगा। ठीक है सर, मैं आपके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल भेज देता हूँ। अच्छा भाई, अब तो खुश हो ना? जल्दी आना। हाँ, साहब के साथ जाओ। Thank you.
पापा की लाश देखकर मां की आंखें पथरा गई, ऐसी पथराई कि फिर मां ने पलक तक ना छप गई। मां पापा से बहुत प्यार करती थी, भगवान के पास पापा को कौन प्यार देगा, शायद ये सोचकर मां भी उनके साथ चली गई। मैंने एक नहीं दो अर्थियों को घर से निकलते हुए देखा, जो मेरी डोली उठवाने की तमन्ना लिए थे, उनकी अर्थियों को मैं तब तक खड़ी देखती रही जब तक और जहां तक मेरी नजरें देख सकती थी। आज भी मेरी आंखें उन अर्थियों को जाते हुए देख रही हैं, और आज भी मेरी आंखें उस खूनी दरिंदे को तलाश कर रही हैं। सुना है बंबई शहर में इंसान और हैवान दोनों को छुपने की जगह मिलती है, यहां की भीड़ में सारे चेहरे अनजान हो जाते हैं, पर मैं इस भीड़ में भी उस चेहरे को पहचान लूंगी। मुझे खबर मिली है कि वो हत्यारा यहीं इसी शहर में छुपा है, मेरे पास उसकी एक पुरानी तस्वीर है, देखो शायद तुमने कभी कहीं इसे देखा हो। इसके चेहरे को तो दिमक खा गई है, धड़ देखकर मैं कैसे पहचान सकता हूं। धड़ सिर्फ इसलिए रह गया है क्योंकि इसका सर मैं काटूंगी, और इन हाथों से उसे खत्म करने के लिए मैं कराटे सीखना चाहती हूं। ज्योति, कराटे सीखना एक तपस्या है, हाथों को तपाकर इन्हें फौलाद बनाना पड़ता है, क्या तुम इस आग में कूद सकोगी? जिस आग में मैं तप रही हूं उसकी तपिश इस आग से बहुत ज्यादा है। तो फिर मेरा भी ये वादा है, आज से तुम्हारी ये जंग शुरू।
के छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। माफ करना बापू, आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलीफोन नंबर पर लपेट ही लिया। क्या करें, मजबूरी थी, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। सुना है कि वर्सोवा बीच पर 20 लाख का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डालकर दूसरी तरफ से तुम 2 करोड़ का माल हजम कर जाओगे। ना बापू ना, ऐसा मत करना, क्योंकि पिछले महीने तुमने हमारा 1 करोड़ का माल लपेट लिया था। अब हमारी बारी है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा, डीके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। बिना बताए मिलावट की जाती है, माल नहीं उठवाया जाता। इसलिए पहले इतला दे रहा हूं कि 20 लाख का माल पुलिस को मिलेगा और 2 करोड़ का मैं ले जाऊंगा। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके, ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे
तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। बड़े भाई, हमें यह तो मालूम है कि राणा का माल पुलिस कहां लपेटेगी, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि राणा का माल उतरेगा कहां। मनोरी आइलैंड पर कौन है ये लोग? भगाओ वहां से। तुम लोग आगे नहीं जा सकते, इमरजेंसी चेकिंग है, चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे वाह, भागे कैसे, हम भगवान के दर्शन किए बगैर नहीं जा सकते, चलो चलो। अबे सुना नहीं, आगे मत बढ़ना वरना वरना तेरी खोपड़ी लपेट दूंगा। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो एक एक कप भून के रख दूंगा मैं। ये तो रिपोर्ट खत्म कर दो सबको। लॉरेंस, बिल्कुल सही वक्त पर आए तुम, लपेट लो इस माल को। तुम्हारे 25 लाख जो उस कमीने राणा ने तुमसे हथियार लिए थे। वाह भैया, क्या बात है, भाई ने भाई का पैसा अच्छा वसूल किया। सोनू, राणा का माल कहां उतरता है मुझे आज तक पता नहीं चल सका, फिर तुझे ये राज कैसे मालूम हुआ? रघु से। रघु भैया, ये राणा का खास आदमी है और मेरा नया बिजनेस पार्टनर। ऐसे ही राणा के राज बताते रहो, ज्यादा फायदे में रहोगे। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ आओ रघु। राणा, अब तेरा कोई राज राज नहीं रहेगा। जिस माल पर राणा का खोप, उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। हम उस भेड़ी के हलक में एक ही उंगली डालकर उसके हलक से अपना माल खींच निकालेंगे। शायद डी के जानता नहीं कि राणा की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है।
सुनो, ये राणा का नहीं है। डीके, ये पेटी हमने भेजी है, इसे तुम्हारे आदमी ले जाना भूल गए थे। इसकी कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए है। राणा, मैं तेरी पूजा करोगे। हाँ डीके, जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राणा को भी याद कर लेते हैं। और आखिरी बार सुन लो, अब तुम चाहे माल की पेटियां पाताल में या आसमान में छुपा दो, पर 24 घंटे के अंदर अंदर राणा अपना माल ले जाएंगे। मेरे भाई, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है, कि जिसने भी तुम्हारी जान ली है उसका नाम मैं इस दुनिया से मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा, मौत के पर्दे में हमेशा हमेशा के लपेट डालूंगा उस हरामजादे को। हमारे धंधे में आंसुओं के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। रोना बंद करो और ख्याल रखना, जज्बात में आकर कोई जल्दबाजी नहीं करना। जख्म सीने में छिपा लो, चुपचाप पड़े रहो। जिस दिन राणा ये समझने लगेगा कि हम सोनू का गम भूल गए, उसी दिन उसे पता चलेगा कि खून जब बोलता है तो मौत का तांडव होता है। माल रिक्कू ले गया है, सिर्फ रिक्कू को उठा लाओ। सोनू की मौत के बाद रिक्कू बहुत चौकन्ना हो गया राणा साहब, और आजकल 24 घंटे वो अपने घर में दुबका रहता है। उसकी कमजोरियां क्या क्या है? शराब और खूबसूरत लड़की, पर ये शौक वो अपने बंगले की चार दीवारी के अंदर करता है, और उसे बंगले से बाहर लाना नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राणा है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। देखो, एक खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल करो। राणा साहब, ऐसी एक खूबसूरत लड़की को मैं जानता हूं, लेकिन जिस लड़की को तुम जानते हो वो हमारे लिए काम क्यों करेगी? सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पिता के खूनी की तलाश है। तो फिर उस लड़की से कह दो कि अगर किसी कब्र में भी वो खूनी पड़ा होगा तो हम उसे खोद निकालेंगे। ये राणा का लफ्ज है। विकी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें इंतजार करने की आदत नहीं है, जानते हो ना? लड़की कहाँ है? आती होगी साहब, बाहर बारिश भी तो बहुत तेज है, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। शायद आ गए। इतना टाइम तुमने
कहाँ लगा दिया? बाहर बहुत बारिश पड़ रही है ना साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। कपड़े बदल के आ जाओ। बाथरूम किधर है? उधर है। उधर? शीशा है ये बता दे तेरा बदन क्या है। धीरे धीरे खोलूंगी मैं सारे राज बदन के, धीरे धीरे खोलूंगी मैं सारे राज बदन के, दिल तेरे गिरूंगी मैं। ये काफिर नजर ये हुस्न व शबाब, चढ़ते चढ़ते उतर गई है शराब। I'm not afraid to die.
अब हम तुम्हारे कर्जदार हैं लड़की, और याद रहे राणा कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है। मेरा भाई मेरी ही आंखों के सामने से गायब हो जाए, घर से उसे कोई उठा कर ले जाए, ये नामुमकिन है। उसका पता करो, अगर रीकू नहीं मिला तो तुम्हारे घर के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। जाओ ढूंढो उसे। साहब, चलती गाड़ी से कुछ आदमी ये पैकेट बंगले में फेंक गए हैं। खोलो इसे। ये वीडियो कैसेट है साहब। चलाओ। बचाओ! 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 डीके, तुम्हारा बायां हाथ तो कट चुका, अब तुम अपने दाएं हाथ का अंजाम देख रहे हो, वो भी कटने वाला है। बाकी रह गए तुम, हम जब चाहेंगे तुम्हारी गर्दन अपने हाथों में लेकर नचोड़ डालेंगे। राम सते। रिवाल्वर को जेब में वापस रख लो। रिक्कू की जान की कीमत तुम्हारे लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। याद रहे, हमारा माल एक वैन में रखो, आज ठीक 12 बजे नरीमान पॉइंट के कोने वाली सड़क पर उस वैन को लाकर खड़ा कर दो। वहीं तुम्हें एक एम्बुलेंस मिलेगी, उसमें रिक्कू होगा। और सुनो, अदला बदली सिर्फ गाड़ियों की होगी, और समझ लो, अगर हमारा माल हम तक नहीं पहुंचा तो रिक्कू की लाश तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। रिकू साहब कहाँ हैं? एम्बुलेंस में। आगे वाली गली में मोड़ लो। कदम, 2 जीपें तैयार रखो, राणा को गिरफ्तार करने जाना। जी साहब। मैं कमिन सर। यस कमिन सर। सर आप कहते थे ना कि राणा को गिरफ्तार करना नामुमकिन है, लेकिन अब वो मुमकिन हो गया है सर। मेरे पास सबूत है, राणा की गाड़ी का नंबर MMR 9628। वो गाड़ी चोरी की है। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? आप नौकरी ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए? यही सर 2 महीना। और मुझे 10 साल हो गए हैं पुलिस की वर्दी पहने हुए, और 10 सालों से मैं इनकी ये जंग देख रहा हूं। ये जंग इन्होंने शुरू की और यही इसे खत्म करेंगे। ये लोग बहुत ही शातिर और चालाक हैं, अपने जुर्म के तमाम सबूत बड़ी ही सफाई से मिटा देते हैं। और बगैर सबूत के ना हम कुछ कर सकते हैं
ना ही अदालत। गुनेगार कितना ही चालाक क्यों ना हो डीसीपी साहब, लेकिन वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर तो अपने गुनाह का दाग छोड़ ही जाता है। और मैं इस गुनाह के दाग को राणा की शक्ल में एक दिन कठेरे में लाकर खड़ा करके ही रहूंगा। जय अगर राणा के लिए काम कर रहा है तो इससे हमें क्या, हमें तो दे ही रहा ना 3 लाख रुपए दहेज में। बेटे हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ गिरने से नहीं। पिताजी मुझे ही समाज में रहना है, लोग मुझ पर उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे छोड़िए समाज की बातें, समाज उसी की इज्जत करता है जिसकी जेब में माल हो। तू अपनी डॉक्टरी संभाल। नहीं पिताजी ये हरगिज नहीं हो सकता। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं एक गुनेगार की बहन के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। तू अगर मेरा जिद्दी बेटा है तो मैं भी तेरा बाप हूँ। ऐसा हिसाब किताब लगाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, तेरी जिद भी रह जाए और मेरा काम भी बन जाए। नमस्ते नमस्ते त्वरिला जी, आई बैठिए। आज आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? भैया मैं तो हिसाब लगा के आया था कि 7 दिनों के बाद पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला शादी का, चट मंगनी और पट शादी। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो 2 लाख भी तुमने जमा किए या नहीं। दरअसल मुझे चिंता एक ही बात की है, वो 10 दिनों के बाद में सक्सेना साहब अमेरिका से आने वाले, उनके आने से पहले ही मैं इस शुभ काम को निपटा देना चाहता हूँ। भाई आखिर बाप हूँ, दो प्यार करने वाले दिलों को कत्ल करने वाला कसाई तो नहीं हूं ना मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अंदर आके देख लीजिए। आइए ना। चल 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 चल। ये देखिए तिवारी लाल जी, पूरे 2 लाख रुपए। वो राधा आई है। अरे सुखी रहो बहू, 7 दिन तक यहाँ का हिसाब किताब और देख लो, 8वें दिन तो हमारे घर में आके राज करना है, सोने के झूले में झूलना है, बस और क्या है। अरे राधा जी, खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है, जल्दी से ज्योति के साथ रसोई में जा और कुछ नाश्ता वाश्ता बना। अच्छा भैया। बहुत अच्छा खाना बनाती है, आइए ना। अरे पंडित जी वो जो 2-4 जरूरी बातें आप मुझे रास्ते में बता रहे थे ना, वो जय बाबू से जाकर कर लो तुम। आओ बेटा आओ आओ। चा, 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 आइए। कहीं ऐसा ना हो भाई। अरे नहीं पंडित जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपने जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे ही होगा। अरे ज्योति चाय तैयार हुई कि नहीं? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पंडित जी, मैं बारातियों की ऐसी खातिर करूंगा ऐसी खातिर करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। चलो बेटा आओ। अरे नहीं साहब नाश्ता वास्ता में नहीं करता। क्यों? आज उपवास है ना, महालक्ष्मी का व्रत है। अच्छा बेटे यूं करना कि 2 दिन के बाद में आकर के सगाई की रस्म पूरी कर देने। बहुत अच्छा। चलो पंडित जी जेवर वगैरह खरीदने हैं ना। भैया अब तो मेरी चिंता खत्म हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने वाली देखभाल करने वाली जो आ गई है। तो ये है वो खूबसूरत नागिन जो तुम्हें अपनी जुल्फों में लपेट कर राणा के कदमों तक ले गई थी। हाँ बड़े भाई, यही है वो जहरीली नागिन जिसे बिल से बाहर निकाल कर मैं लपेटूंगा। जुग जुग जियो मेरे भैया। आ करो। नहीं नहीं पूरा पूरा नहीं, पूरा, पूरा। ससुराल जाकर हर साल अपने भैया को राखी बांधने के लिए तू आएगी ना? ये कैसी बातें कर रहे भैया, क्यों नहीं आऊंगी? तो फिर आज की तरह
पहले तू ही मेरा मुंह मीठा करवाना। पराई हो जाएगी तो मैं थोड़ी ना तेरे मुंह में निवाला डालूंगा। जानती है आज रक्षाबंधन के मौके पर मैं तुझे क्या त्योहारी दूंगा? क्या देने वाले हो बताओ तो। आज मैं तेरे हाथ में अरुण का हाथ दूंगा भैया। एक भाई के लिए आज के दिन से बढ़कर और कौन सा दिन हो सकता है कि वो रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को उसका प्यार लाकर दे दे। मैं भी तुम्हारी लाल जी के यहां जाता हूं और तेरी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूं। पैसा दादा दादा जी भैया आधा रुपया कहां गया? हा? यही तो रखा था। मुझे नहीं मालूम भैया। लेकिन गया कहां? दादा दादा मैं लूटा बर्बाद हो गया मेरा दादा। ये मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के बाद यहाँ पे कोई आया था? कोई नहीं आया था। लेकिन अब क्या होगा राधा? अरे ये सब क्या हो गया राधा? ये सब क्या हो गया? मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लूट गई। तेरी खुशियां जिन्हें मैं गिन गिन के जोड़ रहा था कोई एक ही झटके में उठा ले गया। लेकिन तू घबरा मत राधा, तू घबरा मत। तेरा ये भाई अपने आप को बेच डालेगा लेकिन तेरी खुशियां लूटने नहीं देगा। नहीं भैया हाँ। नहीं, ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे तुम्हारी बहन खुद को सारी जिंदगी माफ ना कर सके। टूटती है शादी तो टूटने दो, पर कसम है तुम्हें मेरी अगर खुद को नीलाम करने की बात भी सोची। नहीं भैया समझ में नहीं आ रहा राणा साहब कि मैं क्या करूं। अगर मेरी बहन की शादी टूट गई राणा साहब तो मुझे उसकी डोली की जगह उसकी अर्थी को कंधा। हम तुम्हारे कंधे इतने कमजोर नहीं होने देंगे जय, जो बहन की डोली ना उठा सके। इन आंसुओं को बहन की विदाई के लिए संभाल रखो। शादी के लिए 3 लाख रुपए जब चाहो ले जाना। राणा साहब इतना बड़ा एहसान? एहसान नहीं नहीं, एहसान किस बात का? राणा की दौलत पर राणा के हर आदमी का बराबर का हक होता है। और फिर तुम तो राणा के जिगर के टुकड़े हो। मैं तो जिंदगी भर के लिए आप ही से बंधा हूं राणा साहब। हाँ हाँ, इन दिनों तुम्हारा एक ही काम होगा, उसका नाम है पीसी माथुर। क्या बात है राणा साहब, ये नाम लेते ही आपकी आंखों में चुभन सी आ गई। हाँ जय, पीसी माथुर का चेहरा हमारे सीने में यूं पैवस्त है जैसे कील ठोक दी हो छाती में किसी ने। आज से 15 बरस पहले जब हम सब इंस्पेक्टर बनकर कलकत्ते आए। बताओ वो 400 हिरन से लदा हुआ ट्रक किसका है? तुम किसके लिए काम करते हो? मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं जानता सर, नहीं जानता। तुझे ये भी नहीं मालूम कि चरस और हिरन हमारे देश की पीढ़ी को दीमक की तरह खा रहे हैं? कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने अंधे हो जाते हैं, कितने पांच और लूले लंगड़े हो जाते हैं। बोल 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 बोल, तो किसके लिए काम कर रहा है? बोल। नहीं जानता सर। बोल सब राज उगल मुंह से। बोल रानी। सर मैं जानता हूं कि ये पीछे माथुर का आदमी है, लेकिन ये राज नहीं उगल रहा। जब तक ये राज नहीं उगलेगा मैं सर बेचैन रहूंगा। राणे, पुलिस की वर्दी और खून की गर्मी आदमी को बड़ा खुददार बना देती है, लेकिन हम उस सिपाही की तरह हैं जिसके हाथ में सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं। और खाली म्यान से ये जंग न तुम लड़ सकते हो और न ही मैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ और बताइए। तुम्हारी पहुंच कहां तक है? मुझ तक। और मेरी पहुंच कहां तक है? आईजी साहब तक। लेकिन
पीसी माथुर की पहुंच बहुत लंबी है। सेवा, आदर्श, देशभक्ति की भावना को किसी पुरानी बंद किताब की तरह अपनी लाइब्रेरी में संभाल के रखना और अपने बच्चों को पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना, सिखाना नहीं, वरना उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। दाने दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर, लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेहसूल खौफजदा बुजदिल पुलिस अफसर की औलाद कहलाए। सर, सेवा, आदर्श और देशभक्ति की भावना अगर किताबों में ही बंद रही तो फिर हमारे देश की हस्ती भी दुनिया के कागजी नक्शों में रह जाएगी। कुर्सी छिन जाने का डर और मरने का खौफ, ये हमें इस फर्ज से कभी नहीं रोक सकते कि हम पीसी माथुर जैसे लोगों को गिरफ्तार करें और सजा दिलवाएं। इस फर्ज की अदायगी में अगर हम शहीद भी हो जाएं तो हो जाएं सर। हेलो, कौन? डीसीपी साहब जी? जी माथुर साहब किसी से फोन पर बात कर रहे हैं जी। साहब डीसीपी साहब का फोन है। ओके साहब, रामेश्वर का फोन, टोनी का फोन है सर। उनसे कहो 15 मिनट के बाद फोन करें। आप 15 मिनट बाद फोन करिए। 15 मिनट के बाद फोन करो। ये सब रिसीवर्स उठा के नीचे रख दो। हेलो। हेलो माथुर साहब, मैं डीसीपी लाल बोल रहा हूँ। कहिए लाल साहब, क्या तकलीफ हुई आपको? बड़ा गंभीर मामला है माथुर साहब, हमारा एक सब इंस्पेक्टर आपको गिरफ्तार करने की जिद में है। क्या कह रहे हैं आप? कौन है ये सब इंस्पेक्टर जो पीसी माथुर को गिरफ्तार करने की बात भी सोचे? सब इंस्पेक्टर राणे अभी अभी खड़गपुर से ट्रांसफर होके आया है। आईजी साहब के पास गया है आपके खिलाफ वारंट निकलवाने। ठीक है, देख लेंगे। कादिर को पकड़ा है ना? जी हाँ, और उसे राज उगलवाने के लिए उसे तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं। सगल, अगर कोई नौकर मालिक को बचाते हुए मर जाए तो वो वफादार और शहीद कहलाता है ना? जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, और शहीद स्वर्ग में जाता है। तो कादिर को आज रात पुलिस कस्टडी से स्वर्ग पहुंचा दो जी, और उसकी मौत का इल्जाम सब इंस्पेक्टर राणे पर आना चाहिए। सबूत ऐसा छोड़ो कि राणे को फांसी हो जाए, क्योंकि अदालत तो सिर्फ सबूत पर फैसला करती है। इसी पीसी माथुर ने अपने रसूख, अपने पैसे और पहुंच की ताकत से अपने खिलाफ उस खून के सब सबूत मिटवा दिए और वो इल्जाम हम पर लगवा दिया। लेकिन उस इल्जाम में कुछ खामियां रह गईं, जिस वजह से हमें सजाए मौत तो नहीं मिली, 5 साल की कैद बा मुशक्कत मिली। यही है वो रिवॉल्वर राणे, जिसकी 6 गोलियों में से बराबर 2-2 गोलियां तुम्हारी बीवी और तुम्हारे 2 बच्चों के हिस्सों में आईं। बिना तड़पे, बिना चीखे चिल्लाए वो लोग मर गए। ये रिवॉल्वर अपने पास रखो, बीवी बच्चों की लाशों से लिपट कर रोने का मौका तो तुम्हें नहीं मिला, कम से कम इस रिवॉल्वर को कलेजे से लगाकर उनकी याद में आंसू बहा लेना। और याद रखो, पीसी माथुर जिससे दुश्मनी करता है उसकी जड़ों को खोद कर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बदले की सुलगती हुई आग लेकर हम जेल से निकले। इस भयानक आग में हमारी वर्दी और कानून की हिफाजत करने वाला सब इंस्पेक्टर राणे जलकर राख हो गया। पीसी माथुर और उस जैसे तमाम कानून से खेलने वाले लोगों खत्म करने की
हमने कसम खा ली। पीसी माथुर भेष बदल बदल कर नाम और शहर बदलता रहा, वो आगे आगे हम पीछे पीछे। उसकी तलाश में साल हा साल गुजर गए, हमारे माँ बाप बिछड़ गए, घर बार उजड़ गया। उसको ढूंढते ढूंढते हम इतनी दूर निकल गए कि कल का सब इंस्पेक्टर राणे आज का राणा साहब बन गया। पीसी माथुर, पीसी माथुर, डीके के सर का ताज, हमारी जिंदगी का नासूर। आज पता चला है कि वो जिंदा है और आज शाम उसकी मौत उसे कलकत्ते से खींच कर बंबई ला रही है। होराइजन होटल कमरा नंबर 903 में ठहरेगा। पीसी माथुर हमें जिंदा चाहिए। जिसने जिसने आप जैसे देवता इंसान की जिंदगी बर्बाद की, उस कमीने को यहां तक पहुंचाने में अगर मैं मिट भी गया तो मुझे जरा सा भी कम नहीं होगा। राणा साहब, आपको माथुर मिलेगा और जिंदा मिलेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आई एम पीसी माथुर फ्रॉम कलकत्ता। थैंक यू। आओ बेटा। डैडी, रूम में जाते ही खाने का ऑर्डर दे देंगे। बहुत भूख लगी है। जरूर बेटी, दे देंगे ऑर्डर। क्या हुआ डैडी? लाइट चली गई। ठहरो, अंधेरा दूर करने के लिए मैं रोशनी लाता हूं। मेरी आंखों के सामने तो हर वक्त अंधेरा ही रहता है। बेटी मैं जरा रिसेप्शन में देखता हूं ये लाइट क्यों गई। जी हेलो रिसेप्शन, ये लाइट क्यों गई है? अभी आ जाएगी सर। ओके कौन है भाई? कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? यहां क्यों आए हो? कौन है बताइए ना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन है डैडी? क्या हो रहा है? कहां है आप डैडी? कौन है? मैं कहां हूं? बचाओ, कौन हो तुम? डैडी बचाओ, बचाओ डैडी। ये आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? नाम के धोखे से एक बेकसूर आदमी मारा गया। जिस माथुर की हमें जरूरत है उसका फ्लाइट 3 घंटे लेट आ रहा है। ये इतला हमें टेलीफोन से अभी अभी मिली। ओ गॉड, ये कैसा अनर्थ हो गया?
खाली पीसी माथुर नाम की वजह से राणा के आदमियों ने एक बेगुना आदमी को मार दिया, और अगर आज उसकी जगह खुद पीसी माथुर होते तो वो भी मार दिए गए होते। और अगर माथुर साहब को कुछ हो जाता तो हमारा सारा बिजनेस चौपट हो जाता। तुम लोग शायद ये नहीं जानते कि माथुर साहब हमारे कौन है, वो हमारे सब कुछ है। He's like a godfather to us. याद रखो, अगर बंबई में माथुर साहब का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या करें डीके साहब, राणा के चारों तरफ उसके आदमियों ने किला बना रखा है। तो उसके लिए की दीवारों को गिराना शुरू कर दो, एक एक को खत्म कर दो और राणा को अकेला कर दो। और हमारा सबसे पहला शिकार होना चाहिए ज्योति। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए। गुंडे? हाँ। चल अंदर जाकर छिप जा जल्दी। कहाँ छुपा उस 56 चोरी को? मुझे नहीं मालूम। क्यों उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद मरना चाहती हो? खबरदार कमीने, जो तूने उसे हाथ लगाया। चल हाथ। तो राधा बिटिया की आवाज लग रही है। अरे हरिया, अरे ओ रामू, अरे ओ सोनू, चलो इस लौंडिया से बाद में निपट लेंगे। भागो। कैसी है आखिर, बात क्या है?
लड़की की तकदीर में सुहागन बनना नहीं लिखा होता और फिर भगवान की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है। हाँ चलो चलो जय। जिसने हमारा सहारा छीन लिया, मैं तो भगवान से दुआ मांगती हूँ, भगवान उसे भी बेसहारा बना दे। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। न जाने क्या मजबूरी होगी उस गरीब आदमी की, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ एक बेगुनाह के खून में रंगे हो। मैं दुआ करती हूँ कि भगवान उसे ऐसी बुद्धि दे कि वो किसी का सहारा बने, किसी को बेसहारा न करे। हाथों से पहला निवाला ना खा लूं, खाना हलक से नीचे कैसे उतरेगा? तू रोने क्यों लगी? सच बता रहा था, ये खुशी के आंसू है या गम के? माँ और बाबूजी का प्यार, बड़े भाई का दुलार, जब तुम्हारी आंखों से बरसता है तो ये आंखें खुद ब खुद बहने लगती हैं। देख रहा था, अगर तू मुझे इसी तरह से कमजोर बना देगी ना तो मैं तुझे विदा कैसे करूंगा? विदा तो करा है मेरी बहन, तेरी डोली शमशान ले गया था ना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। आंसुओं को पी जाओ जय, तुम एक बहादुर बेटे हो। आंसू बहाने से दिल तो हल्का हो जाएगा, लेकिन गम का बोझ हल्का नहीं होता। बोझ तो उस वक्त हल्का होगा राणा साहब, जिस वक्त मैं उस कातिल को खत्म कर दूंगा जिसने मेरी बहन को छीनकर मेरी दुनिया खत्म कर दी। राणा साहब, राधा के कातिल का पता चल गया है, ये कद पीटर ने किया है। पीटर? तुम रुक जाओ, बदले की आग वो प्यास है जो किसी दूसरे के पीने से नहीं बुझती, और तूफान को किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। पीटर को मारना इतना आसान नहीं है सावंत। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ रानी आई कि नहीं आई? वो तो कब की आ गई यार। ओ, कब की आ गई तो ग्लासों की आवाज क्यों नहीं आती? उसको बोलो हो जाए शुरू। वहीं साईं माल सुठो आहे। पीरू की जमनी की।
कहे केतली कोई कहे पोटली दिकरा रे दिकरा आजा रूनी बाटली दुनिया भुला देगी टकला हिला देगी साची कह रही है कितने ही लुट गए कितने ही मिट गए पड़ गए मकान में ताले दस मैनू दारू की बोतल कमीनी है मैं तैनू पीना के तू मैनू पीनी है तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है पीटर ये तो वक्त ही बताएगा बच्चे आपकी जिंदगी और उस बेकसूर की मौत के लिए जो बिना वजह मौत के लपेटे में आ गया मरते तो सिर्फ बेकसूर हैं कसूरवार तो हमारी तरह ऐश करते हैं शरीफों की जबान में कलयुग जो ठहरा बेचारा राणा हर सांस मेरी सांस खत्म करने के लिए ले रहा है पर अफसोस उसे ये बचकाना आरजू साथ लेकर ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा Yes. पता नहीं कितने पुलिस अफसरों ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की
मगर कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए और कुछ की वर्दियां उतर गई। डीजे साहब, राणा के आदमी ने पीटर को बहुत मारा, वो तो उसे मार ही डालता लेकिन अचानक पुलिस आ गई। कौन था वो? वही साहब, जय। जय है मेरा नाम माजी, मगर आप मुझे नहीं जानती। माथुर अंकल और मेरे पिताजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद माथुर अंकल ने कभी भी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बेटे, उन्होंने तो तुम्हारा जिक्र कभी नहीं किया। यही तो खूबी थी उनमें, एक हाथ से देते दूसरे हाथ को पता न चलता। उनके मुझ पर इतने एहसान हैं कि अगर मैं अपनी चमड़ी का जूता बनाकर भी उन्हें पहनाता तो भी कम होता। मुझे जब पता चला कि माथुर अंकल ट्रांसफर होकर बंबई आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश था। लेकिन क्या मालूम था कि ये खुशी गम में बदल जाएगी। सच कह रहे हो बेटे, उनके गुजर जाने के बाद हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। कंपनी से घर मिला था, कुछ दिनों में यह भी छोड़ना पड़ेगा। एक बेटे के होते हुए उसकी माँ और बहन कभी बेसहारा बेघर नहीं हो सकती। मेरा घर आप ही का घर है माँ जी, और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके आने से मुझे माँ की ममता और बहन का प्यार मिल जाएगा। मगर बेटे, देखिए ना कहकर आप मेरा दिल मत दुखाइए। आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा तो रिकू, हम चलते हैं। राणा अपने आदमियों के साथ हमें एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा होगा और हम इस चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। वेलकम मिस्टर माथुर। चलो अपने आदमियों को बड़े ही प्यार से आखिरी बार गुड बाय करो। करो। रामा साहब, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम जा सकते हो। जाए याद करो पीसी माथुर, अब याद करो। राणा
मुझे माफ कर दो राणा, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। पांव पड़ हमारी बीवी के जिसका तूने कत्ल किया, पांव पड़ हमारे दो मासूम बच्चों के जिनको तूने मार डाला। भाग भाग कहां तक भागेगा? आप पकते हो? हाँ साहब, राणा ने माथुर साहब को। राणा, अब तेरी मौत का दिन आ ही गया। राणा, बाहर आओ राणा! राणा, राणा तो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे सर पर खड़े हैं। छोड़ दो इन्हें। राणा के घर अगर दुश्मन भी आए तो उससे मेहमान का सलूक किया जाता है। डीके, अंदर चले आओ। राणा, एक बार मैं अपने छोटे भाई सोनू की मौत के गम को पी गया, रीकू को उठवाया, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज पीसी माथुर को मारकर तुमने मेरे हाथ काटने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगा। बातों की तलवार से गर्दन नहीं कटती डीके। अच्छा है कि तुम जान लो, राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। राणा, मैं हर साल दुर्गा माँ को बकरे की बलि चढ़ाता हूं, आज मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस बार बलि तुम्हारे सर की होगी। ये तुम अपनी खुशकिस्मती समझोगे राणा की चौखट पे खड़े हो डीके। अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं, अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। और सुन लो, कान खोलकर, हर पूजा की शुरुआत गणपति की पूजा से होती है और इस बरस हम तुम्हारे मोहल्ले में ही आकर गणपति की पूजा करेंगे। और तुमने अगर हकीकत में अपनी मां का दूध पिया है तो राणा के कदमों को रोक कर देखना। गणपति बाप्पा! जनों का मुकाबला, तो किसी में कितनी भक्ति है, किसी में
दिल से ये मौका मिला, ये मौका नहीं छोड़ेंगे, आज पटाखे फोड़ेंगे। हाँ, जान के हमने मौका दिया, अपना वादा पूरा किया। मौका मिला, मौका मिला, तेरे भक्त जनों का मौका मिला। मौका मिला, मौका मिला, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला। महाकाय है तुझ में कोटि सूर्य की ज्योति, कोटि सूर्य की ज्योति। शुभ कामों के लिए हम तेरी ही पूजा होती, तेरी ही पूजा होती। पहले पूजा कर ले, फिर हम दूजा काम करेंगे, दूजा काम करेंगे। लेकर तेरा नाम प्रभु हम काम तमाम करेंगे, पर्वत से टकराए
विनायक जय गणेश देवा सब दुख हरण सकल सुखदायक जय गणेश देवा तुम्हारी कृपा जिस पर होई जय गणेश देवा उसका शत्रु रहे ना कोई जय गणेश देवा तू हमको प्राणों से प्यारा जय गणेश देवा कर प्रणाम स्वीकार हमारा जय गणेश देवा कर प्रणाम स्वीकार हमारा। डॉक्टर साहब, बस इसे गणपति का चमत्कार ही समझिए कि राणा साहब बच गए। जय गणपति पापा। लगता है अब इसके हाथ बंदूक उठाने के काबिल नहीं। हाँ बड़े भाई, अब इस कुत्ते की नजरों में वो निशाना नहीं रहा। मैं इसे ऐसा लपेटूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। राणा साहब, ज्योति तुम यहां आए? तू तो रो रही है पगली, शायद इसलिए कि राणा घायल हो गया। तुझे तो खुशी होना चाहिए कि राणा मरा नहीं, जिंदा है। हमें याद है तेरे कर्जे का बोझ हमारे कंधे पर है। देख, हमारे कंधे अब भी मजबूत हैं। और आंसू तो इंसान को कमजोर बना देते हैं, तू तो एक दिलेर लड़की है। और तुझे तो वैसे भी अपनी आंखें साफ रखनी चाहिए ताकि जब तेरे पिता का कातिल तेरी नजरों के सामने होगा तो तू उसे पहचान सके। मेरे पास उसकी एक अखबारी तस्वीर है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और ऐसा कौन सा गुनहगार है राणा साहब जिसका कभी ना कभी आपके रास्ते से गुजर ना हुआ हो और उसकी सूरत आपकी आंखों में ना उतरी हो? तुम जज रामेश्वर दयाल की लड़की हो? मगर आपको मेरे पिताजी का नाम? बेखौफ ईमानदार जज का नाम अपनी यादाश्त में और खतरनाक मुजरिमों के नाम राणा एक लाल डायरी में लिख लिया करते हैं। फिर तो आप उस कातिल को भी पहचानते होंगे। ये बात हम पर छोड़ो और भगवान पर भरोसा रखो। भगवान जिंदगी देता है लेकिन कुछ लोगों की मौत राणा के हाथ की लकीरों में लिखी होती है। ये तस्वीर बहुत कीमती है लेकिन इसे फाड़ डालना और जलाकर इसकी राख से अपना पिता की तस्वीर को टिक लगा देना ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। इस यकीन के साथ कि जब हम बाहर आएंगे तो उस कातिल को ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने तुम देखोगी उसका क्या हशर होगा। मुंबई का कोना कोना छान मारा राणा साहब, मुल्क के हर शहर में तलाश किया पर डिक्की का कोई पता नहीं चला। राणा साहब मिलेगा कैसे? राणा साहब वो आपके डर से मुल्क छोड़कर भाग गया होगा। मुल्क तो अपनी मर्जी से छोड़ सकता है लेकिन दुनिया सिर्फ राणा की मर्जी से छोड़ सकेगा। सारी कायनात में उसे तलाश करो और हमें बताओ कि कहां छुपा वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। मिस रडनी, मैं आपके पिता के खून की तहकीकात के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप देख नहीं सकती लेकिन आप मुझे कोई ऐसा सबूत बता सकती हैं जिसके आधार पर वो खूनी पकड़ा जा सके? अगर एक बार उस खूनी की कलाई मेरे हाथों में आ जाए तो मैं उसे पहचान सकती हूं। उसने मुझे अपने मजबूत हाथों से पकड़कर बाथरूम में धकेल दिया था। मैं देख तो नहीं सकती पर छूकर एहसास तो कर सकती हूं कि हत्यारा कौन है
थैंक यू मिस रडनी। तुम कोई ऐसे पेशावर कातिल को जानते हो जिसके हाथों की पकड़ बहुत मजबूत हो? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। तुम खुद गुनाहों को पकड़े बैठे हो, तुमसे गुनेगारों को पकड़वाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं कुछ समझा नहीं, आप किस गुनाह की बात कर रहे हैं? गुनाह छुपाने से गुनेगार नहीं छुप सकता जय। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि पढ़े लिखे डिग्री होल्डर के लिए मुझे अपना रिवॉल्वर निकालना पड़े। मेरा काम मान लो, राणा का साथ छोड़ दो। अगर इन लोगों को छत देकर तुमने एक नेकी का काम किया तो इन्हीं लोगों से पूछ लो, क्या उस रोटी को खाएंगे जिसमें गुनाहों की छींटियां रेंग रही हो? बेटे, क्या यह सच है कि तुम उस गुनेगार के लिए काम कर रहे हो? नहीं बेटे, नहीं, कीचड़ में बैठकर कीचड़ मत उछालो। हमें पाप की रोटी नहीं चाहिए, गुनाह के पैसों को नहीं छूना है। हाँ भैया, तुम्हें यह पाप का रास्ता छोड़ना होगा। पाप के रास्ते पर बर्बादी हो जाती है भैया। अब पिताजी के बाद तुम ही तो हमारे सब कुछ हो। कहीं ऐसा ना हो ये गुनाहों का रास्ता एक माँ से उसका बेटा और एक बहन से उसका भाई छीन ले। नहीं भैया, नहीं, तुम्हें रास्ता छोड़ना होगा, छोड़ना होगा भैया। राणा साहब, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसीलिए मैं पीसी माथुर की विधवा और उसकी इकलौती बेटी को अपनी मां और बहन बनाकर अपने घर ले आया हूं। वो दोनों मेरे इस काम को गलत समझती हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती कि मैं इस गुनाह के रास्ते पर और आगे बढ़ूं। अब राणा साहब, क्या मैं ये काम छोड़ नहीं सकता? ये सच है जय, जो एक बार पाप के रास्ते पे चल पड़ा वो उसी रास्ते पे खींचा चला जाता है और अपने घर वापस नहीं लौट पाता। लेकिन तुमने अभी गुनाह के रास्ते पर इतना सफर नहीं किया कि लौट ना सको। हौसला रखो और इस रास्ते से लौट जाओ। हौसले से हर काम मुमकिन है। हौसले से इंसान अपनी तकदीर जैसी चाहे वैसी बना सकता है। और राणा की जिंदगी में कुछ ऐसे हिसाब होते हैं जिन्हें राणा अपनी याददाश्त की किताब में लिखकर उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ये हमारा वचन रहा कि गुनाह के समुंदर की कोई भी मछली तुम्हारे जीवन की पवित्र नदी में कभी नहीं आएगी। जाओ जय, इन अंधेरों से निकलकर बाहर एक नया उजाला तुम्हारी राह देख रहा होगा। भूल जाना कि कभी इस राणा का साया तुम पर पड़ा और तुम गुनाह के रास्ते पर चल पड़े। आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उनके चरण छूके करता। आज आपके चरण छूलूं। बेटे, अगर तुमने हमें पिता की पदवी दी है तो याद रहे हमारी मृत्यु जहां कहीं भी हो हमारी सीता को अग्नि तुम ही दिखाना। जय, जहां रहो आबाद रहो, अपने मकसद को हमेशा अपनी नजर के सामने रखना। कभी कोई मुश्किल आए तो अपने इस राणा को आवाज देना, इस राणा को आवाज देना। तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे। Thank you.
तेरे भाई का छोटा सा घर। छोटे से घर को क्या देखना भैया, मैंने तो भैया का बड़ा सा दिल देख लिया, जिसने रात दिन एक करके मेरी आंखों की रोशनी दिलवाकर मुझे नई जिंदगी दी। बस अब जब तक मैं जिंदा रहूंगी सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को देखती रहूंगी। हे, ससुराल नहीं जाएगी क्या? अब तो बस जल्द से जल्द मुझे अपनी बहना की शादी की तैयारी करनी है। तुझे इन हाथों से डोली में बिठा कर विदा करूंगा, तब जाकर मेरा सपना पूरा होगा। क्यों माँ? हाँ बेटी, लेकिन पहले मैं मेरी मन्नत तो पूरी कर लूँ। मन्नत? हाँ, मैंने दुर्गा माँ से मन्नत मांगी थी, अगर रजनी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो मैं नंगे पांव मंदिर जाकर दुर्गा माँ की मूर्ति को दूध से नहलाऊंगी। माँ, मैं मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ, तुम दोनों भाई बहन बातें करो। भाई, मैं पहली बार तुम्हारे हाथों से गर्मा गर्म चाय पीना चाहता हूँ। मैं हाथ में धोता हूँ, तू चाय बना। हा? अभी लाई भैया। तुम? हाँ मैं। अगर हिले या आवाज निकाले मैं तुम्हारी खोपड़ी लपेट दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप चाप हमारे साथ यहां से चलो। अगर तुमने अपनी हलक से आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे भैया की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। मैं इसे लपेटता हूं। क्या बुलबुल है? हरामजादे! ले जाओ इसे। तू मुझे मारना चाहता है ना, लेकिन तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, समझा? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। जिस तरह राणा ने सोनू की लाश को पेटी में डालकर भेजा था, आज उसी तरह तेरी लाश भी राणा को उसी पेटी में भेजूंगा, समझा? <स्थाथ>
माँ, रजनी, सब कुछ तबाह हो गया बेटे। मैंने मंदिर से आते ही देखा कि रजनी बेहोश पड़ी। अभी अभी होश में आते ही मेरा शक यकीन में बदल गया। रजनी जहर मांग रही है बेटे, उसे फंदा चाहिए मरने के लिए। लेकिन हुआ क्या माँ? एक ही सजी तो औरत की दौलत होती है बेटे, वो भी वो कमीने लूट कर चले गए। मेरी बेटी तो पहले से बेसहारा थी, अब तो तबाह भी हो गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। क्या बात है जो? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए और अपनी आंखों को जरा अच्छी तरह से खोल कर देखिए। ये दुनिया उसी के कदमों में झुकती है जो इस दुनिया को अपने जूते के नीचे रौंद देता है। सीधी और सच्ची राह पर चलने वाले का अंजाम देखिए। क्या बात है जो, मुझे साफ साफ कहो। साफ बात यह है कि उस कमीने ने इसकी इज्जत लूट ली। क्या? मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। उसे सजा दिलवा के मेरी बेटी की इज्जत आबरू वापस आ जाएगी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। जो बात घर की है उसे घर में रहने दीजिए। नहीं चाहिए मुझे थाना पुलिस कचेरी। हाँ, कल तक ये अंधी थी और आज जब इसने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा तो इस बेरहम दुनिया ने इस बेचारी का सब कुछ लूट लिया। जब तक तुम्हारा कानून इसे इंसाफ दिलाएगा तब तक ये बेरहम दुनिया इस बेचारी को ताने मार मार कर मरने पर मजबूर कर देगी। कहीं किसी किताब में तुम्हारे कानून में ये लिखा है कि जिस लड़की की इज्जत लूट जाए तो कौन थमेगा उसका हाथ, कौन डालेगा इसे गले मंगलसूत्र? हाँ, जवाब दीजिए इंस्पेक्टर साहब, जवाब दीजिए। कौन करेगा इसके साथ शादी, कौन करेगा इसके साथ शादी? मैं करूंगा इसके साथ शादी, मैं भरूंगा इसकी मांग में सिंदूर। इंस्पेक्टर साहब। हाँ जय। टेलीफोन उठाकर खामोश रहना मर्दों का काम नहीं डीके। और फिर हम रिक्कू की करतूतों से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो। और ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूँ? बाजार के किसी साक्षात दर्जे को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो कि साथ साथ रिक्कू की अर्थी भी तैयार रखें। 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालेंगे। राणा साहब, हमें सब मालूम है जय, इसीलिए हम डीके और रिक्कू को 24 घंटे में खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। राणा साहब, कल रजनी की शादी है। हम ये भी जानते हैं जय, इंस्पेक्टर खन्ना इन सब बातों के बावजूद रजनी से शादी कर रहा है, एक नेक इंसान होगा। शादी की रस्म तुम अदा करना, कन्यादान हम करेंगे। जाओ शादी की तैयारी करो। जी। कल डोली तो शहर में एक उठेगी, लेकिन लाशों को कंधा देने वाले कम पड़ जाएंगे। और ये शादी राणा की बर्बादी का ऐलान है। रिकू को खबर कर दो, इस शादी में एक वारदात होनी चाहिए और वो वारदात इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि राणा अपनी इकलौती तमन्ना को साथ लेकर ऊपर चला जाए। अखंड सौभाग्य होती रहो बेटी। माँ दुर्गा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। माँ
मुबारक हो सर। अब कलाई तेरे हाथों में है। आज तो तू जानी गई होगी कि मैं कौन हूं। मैं तो उसी दिन जान गई थी भैया, जिस दिन मैंने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी थी। नकाब पहनने से शैतान छुपता है भैया, इंसान नहीं। और तुम तो इंसान के रूप में देवता हो। देवता भगवान तुझे बहुत खुशियां दे। जिंदगी पर पाप करता आया, इसलिए ये भी नहीं मालूम कि बहन को विदा करते वक्त क्या कहना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जिंदगी में अगर किसी ने मेरे लिए दुआ की हो तो वो भी तुझे लग जाए। आज की ताजा खबर राणा मारा गया। राणा मारा गया। आज की ताजा खबर। राणा की मौत के साथ हमारी जंग खत्म हो गई रिकू। हाँ बड़े भाई, एक तरफ जहाँ हमारी दुश्मनी के गीत हर गलियों में गाए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम राणा की अर्थी पर फूल चढ़ाने जरूर जाएंगे। बहादुर जी, राणा की श्रद्धांजलि की तैयारी करो। का पालनहार चला गया।
ये तुम्हारे श्राद्ध से पहले श्रद्धा के फूल हैं राणा। मुझे अफसोस है राणा, 24 घंटे के अंदर मुझे मारने की प्यास लिए ही तुम इस दुनिया से चले गए। अफसोस करने की जरूरत नहीं दीगे। राणा ना प्यासे पैदा हुए थे और ना ही प्यासे मरेंगे डीके। ये हमारा पुतला है जिसके आगे तुम अपना रोना रो रहे थे, और ये वो चाल थी जो तुम्हें और तुम्हारे चूजों को डरबे से बाहर निकाल लाई। तुम्हारा पुतला तो यहां फूकने आ चुका है राणा, लेकिन याद रखना तुम्हारा मुर्दा भी यहीं जलेगा। डीके, राणा को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। कसम खा चुके हैं तुम्हें 24 घंटे में खत्म करने की, सो करके रहेंगे, और उसका मकाम भी यही शमशान भूमि मुकर्रर किया है, और ये भी फैसला किया है कि इस दुनिया के तुम पहले और आखिरी बदनसीब कमीने होगे जिसकी ना तो अर्थी उठेगी और ना किसी कंधे का सहारा, सीधी चिता जलेगी। चिता तो बाद में जलेगी राणा, पहले ये देखना है कि ये सफेद चादर किस पर कफन बनकर लिपटती है। Yeah.
जिंदगी एक नाटक ही तो है, लेकिन जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जहां चाहो जब चाहो बदल दो, लेकिन जिंदगी के नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसे हमारी जिंदगी का नाटक पसंद नहीं आया और उसने हम पर पर्दा गिरा दिया। राणा साहब, ज्योति उस चिता में जो जो जल रहा है वो तुम्हारे पिता का कातिल था। हमने तुम्हारा कर्ज उतार कर अपना फर्ज अदा कर दिया। राणा साहब, आज तक आपने ये बात मुझसे छुपा रखी। हम ये कैसे चाहते कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे जाएं। जय जय, हमारा इस दुनिया से रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन जय, हमारी बची हुई दौलत से एक ऐसा घर बनाना जहां भूखे को रोटी, बेसहारा को सहारा, अनपढ़ को विद्या और जाहिल को ज्ञान मिले, ताकि नेकी और बदी की जंग में नेकी मरते दम तक जीतती रहे, मरते दम तक जीतती रहे। इसी घर में दो चार गज जमीन इसलिए भी उठा रखना कि कभी कोई वफादार इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी की वजह से जेल काट कर आए तो उसे रोजी रोटी के अलावा मन की शांति भी मिल सके, ताकि कोई ईमानदार पुलिस वाला इंस्पेक्टर राणे से राणा साहब न बन जाए। राणा साहब, राणा साहब, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो।